नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। तो चलिए रुक करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों का। जालौर जिले के मोदरा माताजी का गांव में प्रशासन व कुछ लोगों ने मिलकर राजपुरोहित समाज, खेतेश्वर भगवान और गौ माता सभी का अपमान किया है। गुरु महाराज के नाम से चल रही गौशाला जो असहाय गोवंश की रक्षा राजपुरोहित समाज मोदरा के युवाओं द्वारा की जा रही थी, वहीं लॉकडाउन में लाखों रुपए लगाकर की गई व्यवस्था को एक पल में तोड़ दिया गया। बता दें कि गौशाला गोचर भूमि में थी, इसलिए कुछ भूमाफियाओं गौद्रोही लोगों को ये कार्य हजम नहीं हुआ। उनकी दुकानें बंद हो गईं, इसलिए वहां पर जेसीबी चलवा दी गई, सब कुछ तोड़ दिया गया। वहीं समाज के वरिष्ठ व युवा अभी तक तमाशा देख रहे हैं, आखिर कब तक ऐसे अपमान सहेंगे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सुरेश राजपुरोहित बारवा की रिपोर्ट। नमस्कार बंधकों, मातम साथियों, राजस्थान के जालौर जिले के मोदरा से बहुत ही एक शर्मनाक न्यूज मेरे पास अभी आई है। राजस्थान के जालौर जिले में मोदरा गांव है, वहां पर कुछ लोगों ने मिलकर प्रशासन की मदद से एक गौशाला बनी हुई थी। गौशाला क्या समझो, इस अपने लॉकडाउन और कोरोना की महामारी में जो गौ माता मर रही थी, उन गौ माताओं के लिए हमारे राजपुर समाज के युवाओं ने संत श्री खेतेश्वर भगवान के नाम से गौशाला का बोर्ड लगाकर वहां पर जो असहाय गौ माता है उन गौ माताओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था वहां पर अवाड़ा बना हुआ था और चारे की व्यवस्था हर रोज वहां पर की जा रही थी। अपने धन से, किसी के पास से पैसे लेने नहीं जाते थे, परंतु कुछ लोगों की दुकानें बंद हो गई होगी, कुछ लोगों को ये काम हजम नहीं हुआ होगा, इसलिए उन लोगों ने प्रशासन की मदद से राजपुर समाज का, मैं कह रहा हूँ ये अपमान बहुत बड़ा अपमान है, राजपुर समाज का ही नहीं संत श्री खेतेश्वर भगवान का अपमान, राजपुर समाज का अपमान और गौ माता का अपमान। तो वहां पर कहते गुरु महाराज के नाम का बोर्ड वहां से हटवाना था, पहले तुमने उस बोर्ड के ऊपर जैसी भी चलाई, उस बोर्ड को गिराया और उस बोर्ड के ऊपर जो नाम लिखा था गुरु महाराज का, संत श्री खेतेश्वर भगवान का, पूज्य गुरु महाराज का अपमान किया, राजपुर समाज का अपमान किया, गौ माता का अपमान किया, गौ माता से मुंह से रोटी छीनने का काम किया है। माफ नहीं करेंगे हम आपको कभी भी। मेरा निवेदन है सभी लोगों से कि इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसी जगह पर वापस समाज के नाम की गौशाला हो, ये मेरा आग्रह है सभी लोगों से। और मैं सबसे आगे आप लोगों के साथ में हूँ। धन्यवाद। वंदे गौ मातरम। आपका अपना एसएस टाइगर राजपुरोहित। तो खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।